Greetings to all the viewers and the speaker of the day, Mrs. Sarika Jain. Ma'am is an honorable and resourceful teacher who has an experience of more than 20 years in the field of teaching and mentoring students. She has been successful in leaving the mark of her knowledge on every outgoing batch. We at Maths with Manya is very privileged to have you with us, ma'am. We at Maths with Manya always believe in flying high in the sky and let the spark of our knowledge light the candles of all other students. With this motive, we decided to launch a series of interaction with the eminent teachers of every subject so that the children could conquer the marks easily. We launched the series tagged as Vartala. Thank you so much, Manya. Our channel always believes in ideas that empower us and the action that strengthen us. The big question of today's series is how to excel in SST. And Mrs. Sarika Jain ma'am would guide us and we would be able to tell the answer of this question at the last of this webinar. So ma'am, we would like to start. एंड द फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे बच्चे हमसे बहुत बारी पूछते हैं और जब हम क्लास टेंथ में थे हमारे अंदर भी ये क्वेश्चन आता था कि अकॉर्डिंग टू मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स SST इज बोरिंग एंड बर्डनसम सब्जेक्ट व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट दिस ओके SST इज नॉट अ बोरिंग सब्जेक्ट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट इफ यू वॉन्ट टू स्टडी अबाउट अवर हिस्ट्री अबाउट वर्ल्ड हिस्ट्री तो आपको SST पढ़नी ही पड़ेगी और आपको आपकी जीके इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी इम्प्रूव हो जाएगी आप जब आगे जाएंगे 12th के बाद आपको इतने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने होंगे तो वो जो जीके है वो आपको काम में आएगी तो आप उसमें इंटरेस्ट लीजिए उसको चैप्टर्स को अच्छे से थॉरली पढ़िए तो आपको अपने आप ही वो बोरिंग नहीं लगेगा एज ए स्टोरी पढ़िए तो आपको वो बहुत इंटरेस्टिंग भी लगेगा और आप जो है बहुत अच्छा कर भी पाएंगे SST पॉइंट्स को लिंक करना चाहिए एक चीज को दूसरे से नेक्स्ट हाउ वन शुड स्टार्ट स्टडिंग SST एज जैसे बच्चे क्लास 10th में है तो उन्हें शुरुआत से ऐसा क्या करना चाहिए जिससे लास्ट में उन्हें प्रॉब्लम ना आए देखिए स्टार्टिंग फ्रॉम द सेशन जो SST है उसके चैप्टर्स थॉरली रीड करें और हो सके तो नोट्स बनाएं इफ यू डोंट हैव टाइम टू मेक नोट्स देन यू आप क्या कर सकते हैं कि आप जो आपकी बुक है उसमें जब आप रीडिंग करते हैं तो उसमें ही आप उनको जो है हाईलाइट कर सकते हैं मेन पॉइंट्स को ताकि जब एट द टाइम ऑफ एग्जाम आप जब वो बुक खोलें तो आप वो सिर्फ मेन पॉइंट्स रीड करें और आपकी जो है पूरा रिविजन हो जाए तो आप अगर नोट सबसे बेस्ट है कि सबसे पहले नोट्स बनाइए देन अगर नोट्स ना बने तो आप हाईलाइट कीजिए मेन पॉइंट्स और आपको चैप्टर्स थॉरली पढ़ने हैं ताकि आपकी नॉलेज एनहेंस हो और आप क्वेश्चन के आंसर आराम से दे सके समझ सके अंडरस्टैंड कर सके तभी आप जो है 3 or 5 मार्क्स के भी आंसर लिख पाएंगे जब आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी तभी यस मैम सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज तो जो पिछले क्वेश्चन में जो हमारे पास मेन पॉइंट आया मैम की तरफ से वो हमारे पास ये आया कि हमें नोट्स बनानी चाहिए शुरुआत से ही हाँ और बुक के हर एक चैप्टर को हर एक लाइन को थॉरली पढ़ना चाहिए जिससे हम एक एक नंबर के मार्क्स के क्वेश्चंस भी आंसर कर पाए और 5 नंबर के क्वेश्चन में 5 पॉइंट्स हम आराम से दे पाए तो इसी के साथ हमारा जो दूसरा क्वेश्चन आता है मैम वो है फ्रॉम विच पोर्शन शुड वन स्टार्ट रिवाइजिंग ड्यूरिंग प्रिपरेटरी लीव्स प्रिपरेटरी लीव के दौरान जो है आपको स्टार्ट करना चाहिए इकोनॉमिक्स से इकोनॉमिक्स इज अ वेरी इजी इन 9th 10th और जो क्वेश्चंस हैं NCERT के वो बहुत ही अच्छे हैं उनमें से बहुत ज्यादा जो आपके पेपर में आते हैं उसके अलावा जो आपका वेटेज है 4 बुक्स हैं आपकी इकोनॉमिक्स पोल साइंस हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी तो जो चारों आपके पोर्शंस हैं चारों पोर्शंस में की वेटेज सेम है 20-20 मार्क्स
आप लेंथी चैप्टर्स की बजाय इकोनॉमिक्स अगर पहले प्रेफर करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी अप होगा और आपको एक लगेगा कि हाँ कि कुछ तैयारी अच्छी हो भी गई है, तो यू शुड स्टार्ट विद इकोनॉमिक्स। ओके मैम, तो इसमें जो मेन पॉइंट आता है वो है कि हम लोगों को इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करना चाहिए। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज ऑन आवर स्क्रीन इज एनसीईआरटी सफिशिएंट फॉर द बोर्ड प्रिपरेशंस? यस, एनसीईआरटी इज मोर देन एनफ। एनसीईआरटी बुक आप जितनी भी बार रीड करेंगे उतनी बार नए पॉइंट्स निकल कर आते हैं, मोर देन एनफ है। इफ यू वांट टू रेफर अनदर बुक then you can go with some reference book like All in One, उसमें short में करके आपको chapters दिए हुए हैं, या फिर आप together भी जा सकते हैं, उसमें question bank है, question, या फिर आप 10 years solve कर सकते हैं, जिससे आपकी questions answers की practice होगी कि how to answer the question। NCERT is more than sufficient, we know, कोई दूसरी book पे shift करने की जरूरत नहीं है, theory NCERT में sufficient है बिल्कुल, कि जो questions आएंगे board में से NCERT से बाहर नहीं आने वाला कुछ। Yes, तो सब बच्चों को ये exactly. ध्यान में रखना चाहिए कि NCERT is more than sufficient, हमें गाइड्स के पीछे नहीं भागना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, NCERT keeping priority, one should prefer which another reference book? तो ये मैम हमें बता चुकी है, ऑल इन वन कर सकते हो, टुगेदर विद कर सकते हो, तो ये हमारा क्वेश्चन आंसर हो चुका है पहले। फिर मैम, एज यू हैव मोर देन 20 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन बोर्ड चेकिंग, सो व्हाट आर द मिस्टेक्स that student do when they attempt the paper? When they attempt the paper, they don't read the question properly and they don't know how to write the answers according to the question. वो relevant points नहीं लिखते हैं, मान लीजिए question के 6 to 7 points बनते हैं, but जो most relevant होते हैं, जो ज्यादा important होते हैं, वो points उनको लिखने हैं और marking के according answers उनको लिखने आने चाहिए। 3 to अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 3 to 4 पॉइंट्स लिखिए, 5 पॉइंट्स का है तो 5 to 7 पॉइंट्स लिखिए, 1 मार्क्स का है तो उसे बहुत ज्यादा आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है राइटिंग में, 1 or 2 पॉइंट्स जो है मेन जो इम्पोर्टेंट है वो एनफ है। प्लस क्वेश्चन जब रीड नहीं करते हैं आप प्रॉपरली तो आंसर आपका इनकरेक्ट होने का डर होता है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है और आप उसका आंसर उतना रेलिवेंट नहीं दे पाते हैं, इररेलेवेंट आंसर देते हैं। तो जब आपका 15 मिनट्स का टाइम होता है क्वेश्चन पेपर रीडिंग का, तो आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड कीजिए, तब आप जो है अटेम्प्ट कर पाएंगे। मोस्टली बच्चे यही मिस्टेक करते हैं। तो थैंक यू मैम फॉर द आंसर। और फिर जो अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास वो है हाउ टू टैकल द सिलेबस। एसएसटी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत ही ज्यादा सिलेबस होता है, तो आप उसमें क्या बताना चाहेंगे कि सिलेबस कैसे टैकल करें? आई कैन अंडरस्टैंड इट हैज 4 बुक्स और 4 बुक्स जो है मोर देन एनफ है, और ज्यादा बच्चों को बर्डन भी लगता है कि 4 बुक्स हैं और 16 to 20 चैप्टर्स हैं जो बच्चों को रिवाइज करने होते हैं। बट वही मेन मैं आपको बता रही हूँ कि फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ सेशन आप जो है स्टार्टिंग से ही चैप्टर्स रीडिंग कीजिए, नोट्स बनाइए और रिविजन कीजिए, आफ्टर 15 डेज अगेन रिवाइज कीजिए, एक शेड्यूल बनाइए, तो आपको सिलेबस इतना जो है हैवी नहीं लगेगा और इजी लगेगा। जब आप नोट्स बनाएंगे चैप्टर वाइज तो क्या होगा, आपका चैप्टर 2 पेजेस में ही आपका रिवाइज हो जाएगा, तो वो इतना ज्यादा आपको सिलेबस लगेगा ही नहीं। और शॉर्ट एंड क्रिस्प नोट्स होंगे तो बहुत फायदा होगा हम लोग को लास्ट के एंड में। तो सिलेबस टैकल करने का बस एक ही तरीका है कि शुरुआत से ही प्रैक्टिस करते जाए, और एक चैप्टर जो हमने 15 डेज पहले करा, ये नहीं कि उसे वन मंथ बाद में करें, रिविजिट कर देना है, रिवाइज करना है। बिल्कुल 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 सही बात है मैम। और जो आता है क्वेश्चन अगला, डूइंग लास्ट 10 इयर्स सैंपल पेपर इज बेनिफिशियल? कई लोग समझते हैं कि बस पेरेंट्स ऐसे बोलते हैं कि एक अफवाह फैली हुई है कि 10 इयर्स कर लो तो सब हो जाएगा, तो बच्चे पूछते हैं कि क्या सच्ची में ऐसा होता है कि लास्ट 10 इयर्स से कुछ बेनिफिट होता है? या सम बेनिफिट है, बट ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ 10 इयर्स कर लीजिए तो आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर लेंगे। नो, यू हैव टू रीड द चैप्टर्स थॉरली, आपको नॉलेज होनी चाहिए टॉपिक्स की। विदाउट नॉलेज आप रटाफिकेशन अगर करेंगे तो आपके क्वेश्चंस गलत होंगे ही। तो आप मगर सैंपल पेपर जो है वो बहुत बेनिफिशियल होते हैं, लिमिटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, कुछ ना कुछ क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उनमें से रिपीट हो जाते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम रिपीट होते हैं,
तो आपके लिए बेनिफिशियल है. यस, जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, आपकी प्रिपरेटरी लीव्स हैं, तो आप वो सैंपल पेपर्स जो है कर सकते हैं फॉर द प्रैक्टिस. 10 years, तो 10 years करने से कोई नुकसान नहीं है. वो तो किसी भी चीज को करने से नुकसान नहीं होता, और आपको फायदा 10 years में से मिलेगा, क्योंकि सीबीएसई में चांसेस होते हैं, प्रोबेबिलिटी है कि रिपीट होंगे क्वेश्चंस. रिपीट होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, रिपीट होते. और जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ अटेम्प्टिंग द पेपर? कि बच्चे को पहले सेक्शन ए करना चाहिए, सेक्शन बी करना चाहिए, या सेक्शन सी करना चाहिए? कौन सा सेक्शन पहले करना चाहिए आपके मुताबिक? क्योंकि अकॉर्डिंग टू एग्जामिनर, जो इवैल्यूएटर होता है, वो हैप्पी जब होता है जब आप सेक्शन ए बी सी इस तरह से आप सेक्शन सीरियल वाइज जो है अटेम्प्ट करते हैं. इफ यू आर नॉट कम्फर्टेबल, आप नहीं है, तो इट्स ओके, आप कोई भी सेक्शन से स्टार्ट कर सकते हैं. आप कोई भी सेक्शन स्टार्ट कीजिए. लेट्स सी, आपने ये सेक्शन सी स्टार्ट किया तो ऐसा नहीं है कि दो क्वेश्चन आपने सेक्शन सी से करे, देन आपने ए कर स्टार्ट कर दिया, फिर आपने एकदम से बी स्टार्ट कर दिया. नो, आप एक सेक्शन जो आपने स्टार्ट किया उसको पूरा कंप्लीट कीजिए, उसके बाद अनदर सेक्शन चूज कीजिए, उसको कंप्लीट कीजिए, फिर लास्ट सेक्शन. तो ये जो है एप्रोप्रिएट करेक्ट ऑर्डर है अटेम्प्टिंग द पेपर. तो किसी भी सेक्शन से शुरू कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि इस सेक्शन से करेंगे. तो किसी भी सेक्शन से शुरू करिए, पर वो सेक्शन को कंप्लीट करिए. बिल्कुल. और जो प्रेफरेबल होता है वो सेक्शन ए बी सी और डी होता है. सेक्शन ए इसलिए प्रेफरेबल होता है मेरे ख्याल से कि सेक्शन ए में एमसीक्यू होते हैं, तो वो थोड़ी इजी होते हैं. तो सेक्शन ए जब हम करते हैं तो उसमें कॉन्फिडेंस गेन हो जाता है कि हमें आता है. अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये सब क्वेश्चंस बच्चों के उससे आ रखे हैं, हम लोगों को बार बार कमेंट सेक्शन में किसी ना किसी वीडियो में क्वेश्चन बच्चे पूछते ही हैं क्लास में, ये बच्चे ऑलरेडी पूछते हैं क्वेश्चन. व्हाट शुड बी द सेक्शन वाइज वेटेज? कि हर सेक्शन को क्या वेटेज देनी चाहिए? यस, देखिए सेक्शन जो ए है वो 1 marks पे 20 questions आते हैं, तो आप उसको हाफ एन आवर रख सकते हैं. हाफ एन आवर एनफ है फर्स्ट आपके सेक्शन के लिए. जो आपके बी एंड सी सेक्शंस हैं वो क्योंकि 5 और 3 marks के हैं, 5 marks के क्वेश्चन 8 to 9 आते हैं और 11 questions आते हैं 3 marks के, तो इक्वलेंट हैं दोनों मोस्टली. हाँ, तो आप क्या करें कि 1 hour and 15 minutes बोथ बी एंड सी सेक्शंस को दे सकते हैं, और हाफ एन आवर में आप जो है सेक्शन ए ट्राई कीजिए करने की. और हाँ, जो आपको 15 minutes का टाइम एक्स्ट्रा मिलता है रीडिंग के लिए क्वेश्चन पेपर, उसमें आप जो है मैप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. तो आपका जो है टाइम स्ट्रेटजी बना सकते हैं दिमाग में कि ये एक स्टेट कहाँ पे है, ये ऐसे प्लॉट कर सकते हैं, माइंड में स्ट्रेटजी बना सकते हैं. सॉल्व का मीनिंग ये नहीं कि आप मैप कर लीजिए, नो, वो तो गलत हो जाएगा. बट आप एक स्ट्रेटजी बना सकते हैं कि कौन सा जो मान लीजिए आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पार्क है, तो वो लेबलिंग किधर करनी है, तो वो बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए. फिर आप उसमें 5 minutes ही लगेंगे और आप वो क्वेश्चन कर लेंगे. हाँ जी. अब तो अगला क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट मुझे लगता है कि सब बच्चों के दिमाग में आता ही है, कि अगर दे रखा है कि 5 number का पॉइंट है, तो हम ऐसा क्या लिख दे उसमें कि हमें पूरे में से 5 में से 5 मिल जाए? देखिए ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ पहले क्वेश्चन में, जब आपने पूछा था कि मोस्टली क्या गलतियां करते हैं बच्चे क्वेश्चन. हाँ जी. अटेम्प्ट करते टाइम तो यही है कि मेन पॉइंट्स आपको एकदम रिलेवेंट पॉइंट्स लिखने हैं जो मोस्ट एप्रोप्रिएट टू द क्वेश्चन है. एक क्वेश्चन के आपके जो मान लीजिए 5 to 10 पॉइंट्स बनते हैं, बट जो मोस्ट एप्रोप्रिएट है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, मोस्ट रेलिवेंट है, वही आपको 5 to 6 मेन पॉइंट्स लिखने हैं अगर 5 marks का क्वेश्चन है. और 3 marks का है तो 3 to 4 पॉइंट्स आपको लिखने हैं. अगर मान लीजिए पॉइंट्स उतने नहीं है, 2 points भी हैं 3 marks क्वेश्चन है, तो वो कोई बात नहीं है. मगर आपको 2 मेन पॉइंट्स लिखने हैं, 2 में भी 3 marks मिल जाते हैं, 2 points बनते हैं. Elaborate बट आपको डिटेलिंग देनी होती है पॉइंट्स की. डिटेलिंग सिर्फ आपको पॉइंट्स के अलावा उसकी डिटेलिंग भी देनी होगी, उसको एलिब्रेट भी करना होगा. हाँ, अगर 2 points है, अगर 3 number का क्वेश्चन है और 2 points है, तो आप 2 points को आप इलेबोरेट कर सकते हैं जिससे 1.5 और 1.5 दोनों में मिल जाए, 1.5 में डिवाइड हो जाएंगे मार्क्स, एलिब्रेट कर सकते हैं आपको. बिल्कुल. फिर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कि हाउ टू डील विद द मैप क्वेश्चंस. अब बच्चों को कई बार लगता है मैप में मार्क्स कट जाते हैं उनके, तो मैप के क्वेश्चंस को कैसे डील करें? देखिए आप तो मैप क्वेश्चन वैसे भी बहुत इजी कर दिया है सीबीएसई ने. अगर आप आज से 2 साल पहले की बात करें तो मैप के जो तो क्राइटेरिया था वो ज्योग्राफी में
उसने था कि अनलिमिटेड था, बहुत सारे आपके कोल माइंस थे, आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पार्क थे. अब क्या है कि लिमिटेड कर दिए सीबीएसई ने ऑलरेडी, 4, 3, 5 कितनी 3 कोल माइंस हैं या ऑयल रिफाइनरीज हैं, तो बहुत लिमिटेड कर दिए हैं. तो सबसे बेनिफिशियल तो आपके लिए ये होगा कि बहुत लिमिटेड हो गया कोर्स में आपका. प्लस आप क्या करिए, आपके स्कूल में भी बनाते मैम जो है आपसे बनवाती होगी मैप बुक. आप सभी मैप जो है एक आप बुक ले सकते हैं, उसमें पेस्ट कर सकते हैं, स्क्रैप बुक ले सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, और उस उन्हीं मैप्स को आप टाइम टू टाइम जो है रिवाइज कीजिए और मैप अपने आप भरने की कोशिश कीजिए. और जो सैंपल पेपर आप सॉल्व करेंगे उसमें जो क्वेश्चन होंगे मैप के क्वेश्चन, वो खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए अपने एम्प्टी मैप में, खाली मैप में, ताकि आपकी रिवीजन हो बार बार. उससे आपको बिल्कुल अच्छे से मैप रिवाइज हो जाएगा, अच्छे से पता लग जाएगा और आपकी गलती होने के बहुत कम चांसेस होंगे. ये बहुत अच्छा पॉइंट बताया मैम ने कि सैंपल पेपर में जो मैप के क्वेश्चंस है, जब मैं अपने टाइम में भी मैं भी सैंपल पेपर के मैप के क्वेश्चन तो छोड़ देता था, अरे हो जाएगा ये तो, पर सैंपल पेपर के भी नहीं छोड़ने हमें, वो भी करने हमें, तो ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है. इसी के साथ हम एंड में पहुंच चुके हैं अपने वेबिनार के. हम मैम आपसे एक और चीज डिस्कस करना चाहेंगे. अब जैसे लॉकडाउन चल रहा है, इस समय लॉकडाउन चल रहा है तो बच्चे बहुत ज्यादा होपलेस है और कई लोगों को ये मिसकंसेप्शन है कि अभी नहीं पढ़ेंगे तो वो स्कूल में फिर से रिपीट हो जाएगा, पर मेरे ख्याल से ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा फिर से रिपीट होना. तो आप इस बारे में बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, आपके पास टाइम है, इस टाइम का वेस्ट मत कीजिए, खराब मत जाने दीजिए, और इस टाइम का जितना ज्यादा आप यूटिलाइज करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा. क्योंकि आप सबको पता है ये बहुत क्रूशियल टाइम चल रहा है हम सभी के लिए, और फिर जब भी लॉकडाउन जब भी खुलेगा तो आपके एकदम से आपके ऊपर बर्डन आएगा सिलेबस कवर करने का. तो अगर आपने पहले से पढ़ा हुआ होगा तो सिलेबस इजीली कवर हो जाएगा, प्लस टीचर्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि डिटेलिंग के साथ आपको दोबारे कराना. हो सकता है रिपीट हो जैसा आप कह रहे हैं, बट वो डिटेलिंग नहीं दी जाएगी, एलोबरेट नहीं किया जाएगा, वो मेन पॉइंट ही डिस्कस किए जाएंगे. तो जो आपकी जो मेन चीजें छूट जाएंगी उसको दोबारा रिवाइज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, टाइम लिमिटेड हो जाएगा क्योंकि हमारे पास. तो अभी से आप बहुत ध्यान से अपनी ऑनलाइन क्लासेस कीजिए, सेल्फ स्टडी कीजिए और कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा कोर्स आप कवर कर लें इन छुट्टियों. बिल्कुल सही बात मैम. और बच्चों के अंदर ये भी होता है, 10th क्लास में आ गए हम तो बड़े हो गए, हम तो नोटबुक्स ही नहीं बनाएंगे. तो नोटबुक्स बनाने का मेरे ख्याल से कुछ तो फायदा होता ही होगा, तभी सीबीएसई ने नोटबुक्स बोल रखी है. साथ के साथ आपकी, हाँ बिल्कुल होता है, नोटबुक्स का बेनिफिट ये होता है कि आपके साथ के साथ रिवीजन हो जाती है. जब आप लिखते हैं तो आपके माइंड में वो बातें भी चल रही होती हैं कि आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या आप जो आंसर लिख रहे हैं, क्या क्वेश्चन है, वो सब बातें आपके माइंड में एक बार बैठ जाती हैं. तो और आप प्लस रिवाइज भी कर सकते हैं. जब आपने रिवीजन करनी हो तो आपको क्वेश्चन के आंसर्स देखने हो तो आप जो है रिवीजन कर सकते हैं, मेन क्वेश्चन देखने हो तो आप रिवीजन भी कर सकते हैं अपनी नोटबुक के थ्रू. तो अब हम लास्ट में पहुंच चुके हैं और एक जो क्वेश्चन मैं पूछने से रोक नहीं पा रहा, एक है कि जब प्री बोर्ड होता है एसएसटी का, तो प्री बोर्ड में तो बहुत ही गंदे नंबर आते हैं, एसएसटी का ही हो चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, तो प्री बोर्ड में तो बहुत ही गंदे नंबर आते हैं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के. आपको एक्सेप्शन हो तो उसका तो पता नहीं, पर तो आप इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे पेरेंट्स को, ये स्पेशली पेरेंट्स के लिए, अगर आप लोग अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के देख रहे हैं तो ये स्पेशली पेरेंट्स के लिए है ये. ठीक है, देखिए प्री बोर्ड में एक तो ये होता है कि थोड़ा सा स्कूल जो है, टीचर्स जो है, वो थोड़ा सा हार्ड पेपर बनाते हैं आपके लिए, ताकि आपकी जो तैयारी है बोर्ड के लिए बहुत अच्छी हो, आप ज्यादा मेहनत कर पाए. प्लस चेकिंग भी स्ट्रिक्ट करते हैं, चेकिंग स्ट्रिक्ट नहीं करेंगे तो आप ओवर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं कि हमारे तो अभी बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं और आप जो है थोड़ी ढीले हो जाए और बोर्ड की तैयारी के लिए. तो ये 2-3 पॉइंट्स हैं तो वो आते हैं. प्लस आपकी तैयारी भी कई बार क्या होता है कि पूरी नहीं होती है, या आप जो है उसको लेट इट बी करना चाहते हैं कि प्री बोर्ड है उसको वैल्यू कम देते हैं कि प्री बोर्ड है ये तो ऐसे ही है, और बच्चे जो है कम तैयारी के साथ उन पेपर को करते हैं. तो ये 2-3 बातें हैं, इसीलिए प्री बोर्ड में कई बार मार्क्स कम आते हैं. बट हम जब देखते हैं बोर्ड की बात करें तो मोस्टली बच्चे बहुत अच्छा कर पाते हैं बोर्ड एग्जाम में. हाँ जी, पेरेंट्स को बिल्कुल प्रेशराइज नहीं करना चाहिए अपने बच्चे को कि प्री बोर्ड में कम मार्क्स आ रहे हैं, बिल्कुल प्रेशराइज को बिल्कुल नहीं करना चाहिए. वही मैंने बताया आपको कि हो सकता है कि थोड़ा पेपर हार्ड बनाते हैं टीचर्स और स्ट्रिक्ट चेकिंग की जाती है, तो उससे जज नहीं करना चाहिए पेरेंट्स को.
पेरेंट्स को तो कभी भी बच्चों को प्रेशराइज नहीं करना चाहिए. इवन बोर्ड में भी उसके बच्चे के नॉर्मल मार्क्स या कम मार्क्स आते तब भी प्रेशराइज करना तो बहुत गलत बात है. बच्चे को अपनी पेस पे अपने तरीके से आगे बढ़ना चाहिए. हाँ, बच्चा जो है वो केयरलेस नहीं होना चाहिए, बस ये है. बिल्कुल सही, स्टडीज को लेकर बिल्कुल सही. थैंक यू मैम, हमें बहुत गाइडेंस मिली और मुझे लगता है सब बच्चों के लिए सेशन बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा. और लास्ट मैम यही कहना चाहेंगे, ड्रीम बिग, वर्क हार्ड एंड मेक इट हैपन. अगर आप मेहनत करेंगे तो पक्का क्यों नहीं होगा, होगा जरूर होगा. होगा जरूर, बिल्कुल. थैंक यू सो मच मान्या. थैंक यू मैम. और अब हम अपने व्यूअर्स को एक और चीज नोटिफाई करना चाहेंगे कि हमारा सेकेंड सीरीज ऑफ वार्तालाप जो है वो मिस्टर ऋषभ पराशर के साथ है, हु इज अ मोटिवेशनल स्पीकर, एंड इट इज गोइंग टू कम सून, एंड द टॉपिक फॉर इट कुड बी हाउ टू क्रिएट सक्सेस स्टोरीज. बाय दिस वी आर एट द एंड. और आप लोगों की जो भी क्वेरीज है आप हमारी फेसबुक पेज पे मैच विद मान्या पे भी कमेंट कर सकते हैं, और मेरी जीमेल आईडी है matchwithmanya@gmail.com, आप उस पे भी लिख सकते हैं. वी वुड श्योरली रिवर्ट यू बैक. थैंक यू मैम फॉर योर गाइडेंस एंड फॉर योर टाइम. थैंक यू मैम वेरी मच. यू आर वेलकम. यू आर ऑलवेज वेलकम. थैंक यू.